तुम बहरे हो गए हो क्या? गेट खोलो। बीवी जी आप बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती? क्यों? वली साहब ने मना किया है। वली साहब क्यों मना करने लगे? गेट खोलो। बीवी जी ये बात तो आप जाकर वली साहब से पूछें। What the hell? ये हो क्या रहा है? मम्मी, मम्मी! मम्मी, मम्मी, ये वलीद का बच्चा आखिर चाहता क्या है? मुझे मेरे ही घर में कैद करके रखेगा? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बात आराम से भी की जा सकती है नी? तो अब अपने लाडली से क्यों नहीं पूछती कि मेरे सकून का दुश्मन क्यों बना हुआ है? अब ऐसा क्या कर दिया उसने? हमारा गार्ड है और मुझे ही घर से बाहर जाने नहीं दे रहा क्योंकि वली साहब के ऑर्डर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी बेगम साहिबा मुझे मेरे बेटे से फोन पर बात नहीं करने दे रही। मैं माँ हूँ इसकी, इसके बगैर नहीं रह सकती मैं। माँ? ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। नरमीन, वली को लेके अंदर जाओ। ये मेरी औलाद है, इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। ए, 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 इस घर में ये डायलॉग बाजी मत करो। अगर तुम्हें इतनी औलाद की परवाह होती ना तो असंत भाई ने जैसा इज्जत की जिंदगी गुजारने को कहा था तुम इज्जत की जिंदगी गुजारती, मगर तुमने तो औलाद को ठुकरा कर अपनी मनमानी की है। ये पैसे पकड़ो और निकलो यहां से। लेकिन ये तो बहुत कम है। फिक्र नहीं करो, शाम तक मिल जाएगा बाकी का चेक भी। लेकिन एक बात याद रखो, आइंदा तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी क्योंकि मुझे अपने बाप दादा की इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, समझे तुम? मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना आप मुझे जता रहे हैं। अगर मजबूरी ना होती तो ये रकम आपके मुंह पर दे मारती। लेकिन खैर, अभी तो मैं जा रही हूं, शाम तक बाकी पैसों का चेक भिजवा दीजिएगा।